एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक माता महिंदर कौर जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नू खर्चते हुए परमात्मा दे चरणा विच बिराजे। उना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा शहीद बाबा सिलवरा बाबा डोगर जी पिंड चंडेर तहसील अजनाला अमृतसर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। माता महिंदर कौर जी दा जन्म करीब 80 साल पहला नामधारी सेवा सिंह जी दे घर माता प्रीतम कौर हुणा दी कुखों पिंड गोरे नंगल विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही मिठ बोले सुभाव दे मालिक अते धार्मिक बिरती वाले सन। आप जी ने 8वीं तक दी पढ़ाई कीती, उपरंत आप जी दा व्याह सदर बचन सिंह चंडेर जी नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपने गुणा दी महक अपने सहुरे घर बिखेरनी शुरू कर दिती। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर चार पुत्रा ब्रह्म सिंह साहिब सिंह दलजीत सिंह अते गुरमीत सिंह अते दो पुत्रियां ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं चंगे संस्कार दिते, खूब पढ़ाया लिखाया अते समय दे हानी बनाया। अज आप जी दियां पुत्रियां आपो अपने घरां विच खुशी व्योता जीवन बतीत कर रहियां हन अते आप जी दे बेटे ब्रह्म सिंह चंडेर जो कि 5 साल पिंड चंडेर दे सरपंच रह चुके हन अते आप जी दी नौ सरबजीत कौर 5 साल पिंड चंडेर दे सरपंच रह चुके हन, जदों कि आप जी दे बाकी तिन्ने बेटे आपो अपने कारोबार विच नामना खट रहे हन अते अपनी माता जी दे नाम नू चार चन लगा रहे हन। सरदारनी महिंदर कौर जी हुणा दे पति सरदार बचन सिंह जी भी 10 साल पिंड चंडेर दे सरपंच रहे अते इस कार्यकाल दौरान आप जी दे परिवार ने पिंड चंडेर दे विकास लई अगां वधु भूमिका अदा कीती। माता महिंदर कौर जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई तैयार बर तैयार रहा करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई तैयार बर तैयार रहा करदे सन। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां सारे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे पाणी विच रहण वाला परिवार है। अब ना बसो एहि गाँव।
Thank you.
पूजे प्रभाव के नाम से बात करें रबे भगवान नाम के नाम से हमारे गुणगान करें।
उत्थे उन्होंने पुत्र ने भी सरपंची की, नूह ने भी सरपंची की।
भाव अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिते कि वो समाज अंदर सिर चुक के जी सकते। बिछड़ी हुई रूह सच्ची श्रद्धांजलि का उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह के हजूर वैराग लई कीर्तन रूप में कीर्तन सिंह और गुरु के वजीर अरदास करके दे चुके हैं, पर परिवार ने जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम लिखा है उसको संखेप रखने की कोशिश करांगे। क्योंकि समाज के नाल समाज के लिए सिर चुके जीण वाली हस्तियां सत्कारक व्यक्ति बहुत सारे इस प्रोग्राम के शामिल होने वास्ते परिवार के रूप में शामिल होने लिए आए हैं। सारियां नूं समां दे सकना तां असंभव है, पर असीं कोशिश करांगे सीमित समय के इस श्रद्धांजलि समागम को छोटा रख सकी। और वैसे इस बात में मैं सारियां तों पहलां बेनती करांगा सरदार बलदेव सिंह जी तेड़ा साबका मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुका बख्श उस संगत के दर्शन करनगे। और उन्हां तों बाद मैं बेनती करांगा सरदार गुरु मास्टर सुखराज सिंह जी नूं, उह इन्हां तों बाद उन्हां दी उघाड़ी लगेगी जरा त्यार। अज आपां सत्कारयोग माता महिंद्र कौर जी की अंतम अरदास शामिल होए बैठे हाँ। सब तो पहले फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सरदार जोरावर सिंह जी ने परिवार बारे माता जी बारे पिता जी बारे वर्णन किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप हजूरी में बैठे हाँ, कत्र हुए हाँ माता जी को सबका दे फुल भेट करने वास्ते। सो बहुत वजिए माहौल बैराग भाई कीर्तन भाई साहब जी ने बड़े प्यार दे नाल कीता है, संतां ने भी बड़े प्यार दे नाल सुनना कीता है। गुरबाणी कह रही है जो उपजो सो बिन सहै पर आज के काल, नानक हरगुण गाए दे शाद सगर चंजा। नाल ही गुरबाणी कहती है चिंता ता की कीती है जो अनहोनी हुए, इहो मात संसार को नानक थिर नहीं कोई। गुरबाणी ये भी कह रही है त्रवाह देने वास्ते, आपे हार एक रंग है आपे बहुरंगी, जोत सुभावे नानका साई गल चंगी। सो सतगुरु सच्चे पातशाह के हुक्म के ही हर व्यक्ति हर आदमी होंदा है, तो उहदे हुक्म के ही अपनी पूरी यात्रा करके वापस चले जाता है। इस संसार के रहिंदिआं होइआं जीव जिवें जिवें कम करता है उवें उवें ही अगे उहनूं सफलता मिलती है। सो अज के इस इकट्ठ तो मेरा इस परिवार के नाल बहुत समय तो मिलाप है सरदार ब्रह्म सिंह सरपंच साहब के नाल, पर माता जी के नाल कभी भी बैठन का मौका नहीं मिलिया। अज का यह एडा वड्डा इकट्ठ दर्शा रहा है कि माता जी भी किसी महान शख्सियत के मालक सन। समा बहुत थोड़ा है, बुलारे बहुत हैं, संकोच करा। सो गुरबाणी सतगुरु सच्चे पातशाह ने आपां नूं बख्शिश की है दरवास देने वास्ते। सिख नियमानुसार सिधांतक तौर पर कोई भी सिखा के परिवार में चढ़िया जाए आप श्री खंड पाठ साहब के पाठ आरंभ कराते हाँ, भोग पाते हाँ, सुनना करते हाँ, नौवें महीने के सलोक सुनते हाँ, कीर्तन सुनते हाँ कि आपको दरवास मिल सके। जे तो आप गुरबाणी का आसरा लीए तो दुख तो सुख संसार में बराबर ही हैं, पर जे परिवार मोढ़ी जीवता किसी का चले जाना यह बड़ा वाला एक कथा मतलब नाराजगी पैदा करता है। परिवार में चलाना परिवार को अगे लेके जाना बहुत कठिन है। इस करके इस परिवार का नाम सरदार ब्रह्म सिंह का उन्होंने पिता जी का पंजाब ही नहीं बल्कि संसार में ही गुरु रामदास जी कृपा के नाल चलता है। इनका मेल मिलाप हर परिवार के नाल हर लीडर साहबान के नाल सियासी तौर पर समाजिक तौर पर जुड़िया है। सो मैं इतने समाप्ति करा सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा के नाल जो सज्जन सीसरी हाँ जो होवे सहर सो मेल जो जिनी भी संगत बैठी है इहदियां आसीसां दे नाल ही अरदास बेनती दे नाल ही हर आदमी का मृत्यु का पार उतारा हो जाता है। बोलते हैं कोई भी गलती हो गई वेख जमा जावगा। बहुत महान शख्सियत बड़े बड़े वधिया बुलारे सतगुरु की कृपा के नाल वाहे जी हजूरी जिते आए हैं, आप सारा सुनना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਸਾਭਿਆ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਖਾੜਕੂ, ਬਹੁਤ ਮਲਾਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਛਾ ਥਾਂ, ਅੱਛੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹ, ਸਤਿਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੀਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਕੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂਆਣ, ਸਰਪੰਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖ ਭੰਦੋਵਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ, ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੀਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣ।
मां प्यो का इस दुनिया को चले जाना एक बहुत बड़ा घाटा है और विशेष करके माता जी का परिवार को छड़ के सदा ले चले जाना इस परिवार को उन्होंने एक जो गवाही चली सी वो उन्होंने को खुश गई है। बड़ा परिवार है माँ प्यो जरा परिवार का बन हों जो भी कोई परिवार के अंदर मुश्किल आती है तो माँ प्यो जरा परिवार की मुश्किल अपना हाथ दे के जरा रखने की समर्था जरा रखता है। परिवार चाहिए हुई क्रीड़ा मेटन का जरा उन्होंने को अधिकार है कोई भी बच्चा जरा जे भरावान भरावान कोई उन्नी की हो जाए जे दूजे को कोई दूजे की लौड़ हो तो कह के कहता भी नहीं भाई वो मदद करनी है वो काम आना तो ही सारे ने और परिवार जो बच्चे इस परिवार वर्गे बच्चे जोड़े आ वो कभी भी माँ प्यो का क्या हो जरा डालते नहीं सो वो जरा एक बन आ भावें इन्हों को चले गया पर वो इन्हों सारिया गिनतियां जड़िया ने वीर सारे भैन सब समझा गया एक लम्मा जीवन जीव के कह रहे हैं अज ये परिवार जरा इलाके च खुशहाल परिवार के तौर पर गिणिया जाता रामवर परिवार के तौर पर गिणिया जाता है। जे यदि बुनियाद वाल झाती मारी है कि यदि बुनियाद की है यदि बुनियाद आ वो धरती का टुकड़ा वो जमीन जिहड़ी इन्हां दी सारी सरदारी की बुनियाद आ जिहड़ी इन्हां दे नामवर होण दी बुनियाद आ जिहदे करके परिवार का एक आर्थिक समाजिक समाज दे अंदर रुतबा है। अब जो माता जी कह रहे साढ़े को सारे की आप इतने जिन्हें भी बैठे हाँ साड़ी सारे की हैसियत साडा सारे का रुतबा साड़ी सारे की रोजी रोटी जी जमीन आज जो माता जी कह रहे रुतबा साडा संकट बच्चे जेडे तीन कानून आए ने वह साढ़े को जमीन खोण लिए आए हैं। एको गल इन्नी मैं कहनी हाँ भी जमीन खोण लिए आए हैं और उस जमीन को बचाने लिए बड़ा इतिहासक अंदोलन जोड़ा है वो लड़िया जा रहा है। इस अंदोलन को जितना साढ़े लिए जिंदगी मौत का सवाल है पूरे पंजाबी समाज लिए जिंदगी मौत का सवाल है भावें कोई किसान आ मजदूर आ दुकानदार आ मुलाजम आ जां कोई भी किता करता है साढ़े पंजाब की सरदारी पूरे देश के दे अंदर धाक जी साड़ी जमीन करके आज उन्होंने खोण की साजिश जी रची गई है। ये साडा अंदोलन जरा बड़े पक्के पैरी लड़ रहा है जिदा सानू ही माण है भी अही सारे पंजाब चो लै के गए अच देश का अंदोलन बनाया इस अंदोलन को कुचल लिए खत्म करने कारपोरेट घराने से मौजूदा सरकार जी सिर तोड़ जतन कर रहे हैं वक् वक् तरह दाजिशा जीडिया रचिया जा रही ने जिसे चो एक साजिश जी कल ताे सामने आई है प्लान तरीके हमला आया है और हमले वास्ते सिख घट गिणती जोड़ा टारगेट किया गया है ता कि देश के अंदर धर्म के नाम के उत्ते दंगे कराए जा सकन ता कि पंजाब के अंदर लोग भड़क जाते पंजाब का माहौल फिर अज तो 25-30 साल पहला वाला बने और भाजपा जी पूरे देश के अंदर ये दंगे साल चला के साडे अंदोलन कुचल का जरा वो राह पत्रा कर रहे अजे इस अंदोलन ये जित तक नहीं पहुंचा इस अंदोलन को अजे होर विशाल करने की लोड़ आ सानू सबनों इस अंदोलन च तन मन धन के नाल शामिल होने की लोड़ आ
जे आप अंदोलन जित गए साडा मौजूदा रुतबा भी बरकरार रहेगा, साडी साख जिहड़ी आ उह देश दे अंदर लोग अज जिस नजरां नाल रिस्पैक्टफुल नजरां नाल जिन्ने वधिया नजरां नाल अज सानूं देश दे अंदर वेख्या जा रहा, दुनिया दे अंदर वेख्या जा रहा, वह रुतबा साडा होर भी वधूगा। मैं बहुती गल ना करा, माता जी नूं इहो सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो साडे बजुर्ग सानूं विरासत च दे के गया उहनूं असीं बचाउण लई अपनी जिहड़ी आ ना वो जब आप की औद निधान बने तो मत ही रण में जूझ मरो, सब कुछ वार के अपन आने वाली नस्लों को वो विरास जी जो दे के जावे तो ही इन्होंने बजुर्गों सच्ची श्रद्धांजलि जी अर्पित कर रहे होंगे। इन बेनती धन्यवाद, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। मैं हूँ बेनती करा सरदार मनजीत सिंह जी माछीनगर वो दो मिनट वास्ते आके संगत के दर्शन करेंगे और इस दौरान मैं कुछ होर साथी जिन्हों को असं समा नहीं दे सकते उन्होंने सरदार सुरेंद्र सिंह जी सबका सरपंच सहसरा, सबका सरपंच सरदार थमर सिंह नंबरदार, सरदार हरपाल सिंह विरसा सिंह जी प्रधान जगदेव कलां, सरदार धनजीत सिंह जी सरपंच, दलजीत सिंह सरपंच कटराए कलां, सरदार जसबीर सिंह सरपंच सतू नगर, प्रभदीप सिंह जी लाडा सतू नगर, वरिंदर सिंह जी लश्करी नगर भी साढ़े को आए हैं। मैं माफी चाहता कि असी समा नहीं दे सकते। मैं हम बेनती करा सरदार अमरजीत सिंह जी को दो मिनट वास्ते श्रद्धा के फुल भेट कर। सबना तो मेरी तरफों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, माता जी का जाना बहुत दुखदाई है। पर जो सोचिए माता जी ने अपने बच्चों जो कुछ देना सी वो दे के गए, तुसी वेख लो जो घर के नूह आती आ सस जी चाबियां दे दी भी लै पुत अपना घर संभो। इस तरह ही माता जी ने अपने पुत्रां नूं घर की चाबी, बाहर की चाबी, जायदाद की चाबी दे के गए। सानूं बहुत अफसोस भी नहीं करना चाहिदा कि माता जी चले गए हैं, अपनी जिंदगी हंडा के बहुत वधिया थां थाई बच्चों नूं करके गए हैं। उन्होंने याद सानूं इहो ही आउंदी आ कि अजे होर भी लोड़ सी, होर भी लोड़ सी, होर भी लोड़ सी। प्यारी साध संगत जी, माता पिता सदा ही चेते होने से बच्चों होर ताकत मिलती है। इस करके मेरी माता जी को श्रद्धा के फुल यो ने कि सारी संगत उन्होंने अपनी हाजरी भर के ते अपना सतना वाहेगुरु उन्होंने गुरमंत्र दे के जरा गुरमंत्र आ वाहेगुरु आहो जाता होर कुछ भी नाल नहीं जाता। आप सारे ने एक बार आखना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। माता जी अं तुम फतेह बुलाई आई दरगाह के गुरु महाराज सहायता करे तो तहानू अपने चरणों ना ला के रखे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी माता महिंदर कौर जी को श्रद्धा के फुल भेंट करना है। मां शब्द का शायद अज तक दुनिया के कोई फिलोसफर कोई विद्वान उसका डेफिनेशन नहीं कर सकिया, किसी ने उसको ममता की मूर्त कहा तो वध तो वध किसी ने उसको रब का रूप दे दिता। किसी शहर ने बड़ा सोहना लिखा अपनी माता के बारे कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं चुका नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। सारे जानते ने कि जदों कोई भी माँ का बेटा बाहर गया होता है
दूर गया हों जो जो नेरा हों तो माँ जी बार बार पुछती आ कि बेटा आया कौन नहीं उदू सिर्फ वह ध्यान उस बच्चे हों इस करके शहर ने लिखा कि ऐसा कर्जा जो मैं सारी उम्र नहीं चुका सकता जब तक मैं घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है कि मेरा ध्यान रखती है दुआ करती है मालका मेरा बेटा सही सलामत हो माता के बारे बहुत सारे लोगों ने क्या बुलारे ने दसिया एक नेक सुभा की औरत जिन्हें चंगे संस्कार दिते रस्ते च गल कर रहे संगोलनी मैं गल की माँ बारे उन्हें बड़ी सोहनी गल मैं दसी कि माँ ही संस्कार दिंदी आ माँ ही अपने बेटे साध बनाउंदी आ माँ ही अपने बेटे बदमाश बनाउंदी आ माँ ही ऐसी चीज आ जो अपने बच्चों को संस्कार दे के जमीन तो समान तक पहुँचाती आ मैं अज बैठा विचार कर रहा सा कि जे माँ ने ब्रह्म सिंह को ब्रह्मे का नाम दिता तो कुछ जो उसके अंदरों भी निकलिया हो ये बड़े वो बड़ा महत्व होएगा क्योंकि ब्रह्म का शब्द गुरबाणी में भी बड़ी आया तो ब्रह्म को जो विचारा जाए तो बड़ी तगड़ी गल आ तो सो मैं जो माता जी ने अचानक जो उन्होंने ना रखा तो मैं आस रखता ब्रह्म सिंह जी तुम सतपंची तक सीमित नहीं रहना ताकि माता ने थोड़े बारे बहुत उच्चे ख्याल उच्चे सोच के तेरा ना रखा तुम बुलंदियों को पहुँच सकते हो ये ध्यान रखना गुरबाणी के अध्यात्मक तौर पर वेखिए तो बड़ा कुछ ये संसारी जीवन लिए कहा गया एक चीज़ जो मैं एंड लगती है निचोड़ आ गुरबाणी के इस दुनिया जिस तरह एंड से कोई कह दिता वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसे आपे चितवे आपे चंद सूरज प्रकाशा आपे जल आपे थल थमन आपे प्यो पटकड़ वासा आपे नर आपे भुनारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सभे विचारो की विचारो एक ही तो कहता गुरमुख संगत सभे विचारो वाह वाह का बड़ा तमाशा जिहड़ा मैं तमाशा लाया उत्थे विचार करो सो इन्ना कहता हुआ मैं तुहाडे सारे तों क्षमा चाहता गुरु महाराज की अरदास करता कि माता जी को शांति बख्शन उन्होंने अपने चरणों वास्ते संवर्षन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु उन्होंने दसिया कि ब्रह्म सिंह को ब्रह्मा कह के आवाज मारन की हिम्मत मां ने जी बिल्कुल ठीक गल है माँ तो बगैर कोई कानून रोड़ के नहीं किसी को कुछ कह सकता एक मिनट का समा लाव मेरे को जो कोई आ जाए ना कि दुकान के उत्ते तो जे पता लग जाए भी ये किसी को मैंने नजायज किसी को कुछ फड़ा लगा कुछ कर लगा मेरे न्याणे जो स्थान है वो पिछों नहीं लग जाते हैं वो जाके मेरी माता को दस देंगे कि लाल जी ना फलाने बंदे को पैसा देना है वो मेरी माता ने क्या पता झुटू ये कह की हिम्मत माँ के कोल ही होंगी है जी अपने पुत्र पलों फट के रोक सकती है असं समाज में जिदा के मर्जी हो जाइए पर अपनी माँ अगे अख चुकन की हिम्मत साढ़े च नहीं होंगी मैं हम बेनती करा अपने सुचजे शब्दों के नाम जिन्हों का अपने शब्दों के उत्ते बड़ा काबू है बड़ी कमांड है फार्मासिस्ट यूनियन के सबका आगू बल्कि सबका कहते हूँ भी आगू ने सरदार शमशेर सिंह जी कोई वो अपने सुचजे शब्दों के नाल माता जी को श्रद्धा के फुल भेट करेंगे मैं कोई सब दो मिनट गुस्ताखी करनी है साढ़े गुरु साथियों के नाम मैं चाहना पहला उन्होंने को क्षमा याचना कर ली जाए साढ़े को सरदार पाल सिंह जी सरपंच कलेर तो आए हैं सरदार भुपिंदर सिंह जी बडू मजीठा तो टाई ने आए हैं और विशेष करके सरदार रविकरण सिंह जी कालो उन्होंने भी फोन करके परिवार के को हाजरी लवाई है अपने किसी जरूरी जिम्मे के कारण इतने हाजरी नहीं भर सके सरदार सिकंदर सिंह जी कोटला श्री किशोरी लाल जी समिति मैंबर एस एच ओ बाबा जी वो भी अपनी हाजरी लवा के गए सरदार शपाल सिंह उन्हों का भी परिवार के लोग भी शामिल होने के उत्ते धन्यवाद करते हैं सत्कारयोग वीर सरदार कोटली सतवरण सिंह जी कंदोवाली वो भी आए हैं उन्होंने भी जी एन कहने सरदार हरपाल सिंह सरपंच लश्की नगर सरदार कृपाल सिंह जी लश्की नगर सरदार बलराज सिंह जी समकर सरपंच हरदो पुतली सरपंच मखण सिंह जी हरिया और सबका चेयरमैन सुखप्रीत सिंह जी हरी संगतपुरा वो भी आए हैं मैं उन्होंने भी जी एन कहना और बेनती करना सरदार शमशेर सिंह जी गोरी वो अपनी हाजिरी हो
ਬੇਨਤੀ ਦਰਹੋਰੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਜਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਬੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਦਤਾ, ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਪਿਓ ਦੀ ਵਾੜ, ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਰੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਰੰਗ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਭਰਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਕੇ ਕਿਤੇ ਬਸਤਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਮੋਹਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 90% ਤੋਂ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਖੇਤੀ ਆ, ਅਤੇ 100% ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ,
जो उस संघर्ष में योगदान पाने लिये को आते हैं जिन्हों ने अपना बन का हिस्सा पाओ तेने सिर दिया दान मन तिता तन करके उसे हाजरी लवाओ मन करके गुरु साहब अगर अरदासा करो जिन्होंने चंगा लगता करनी जिन्होंने नहीं चंकी लगती ना करे पर जरूर करो तो धन करके बहुत व्डा संघर्ष है वह भी बड़ा योगदान पैना जो दसा नवं की किरत जो उसे कमाई जाऊगी तो फलीभूत होएगी वो जरूर हिस्सा पाओ ता कि वो संघर्ष कामयाब हो जाए थोड़ी उम्र बनी रहे असं जिमें अच बैठे हैं जिम्मे बेनती की गई ये परिवार जोड़ा ये सरे फहरिस्त परिवारों के एक है तो वह माँ प्यो की बदौलत है ही है इस करके भी है साढ़े को जमींदार आया साढ़े को जमीन है साढ़े को किसानी है जो तो सारा कुछ पुस गया असं इदा भी नहीं बह सका इस तरह बहन के काबल नहीं रहेंगे ये सब जरूर ध्यान रखना चाहिए मैं उस सरकार जो माता जी जिन्ह के बच्चों के नाल जिन्ह के घर वाले के नाल पति देव के नाल सरकार जो सरदार बचत सिंह जी सरपंच साहब नाल मेरा बहुत निडता भरया नाता रहा है और जिन्हें औखे सौखे मौके उत्ते साडी बाह भी फड़ी है मैं अपने वो शब्दों के फुल भेट करता हूँ अपने वड्डे वीर डॉक्टर मुकीत सिंह जी माशी नंगल मैंने पता उन्होंने समा देना मैं बेनती करता हाँ जोरावर सिंह जी उन्होंने वालों भी मैं ही शब्दों के फुल भेट करता है क्योंकि सेहत विभाग में विचरते हैं मैं उन्होंने छोटा भरा है तो मैंने उन्होंने हुक्म लाया कि मेरे वालों भी परिवार के नाल अपना पीला प्रगटावा करके समय का बचाव किया जाए भुला चुका लिखे वहां पति ने साझ पाउन लगे संकोच न करें गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। अज असी सारे माता महेंद्र कौर जी जो रिश्ते करके साडे मामी जी सन उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होए आ। माता महेंद्र कौर जी गुरु घर के गुरसिख सेवा सिंह जी रंधावा दे बगीची दे विचों आण के गिल परिवार गुरु घर के गुरसिख सरदार पासा सिंह जी उन्हां दे पुत्र सरदार नत्था सिंह जी उन्हां दे वड्डे सपुत्र सरदार गुरबचन सिंह जी नाल आण के ग्रिस्ती जीवन शुरू किया। उन्होंने ग्रिस्ती जीवन के उन्होंने चार पुत्र एक बेटी पांच पोतरे तीन दोतरे पांच पोतरिया का हसता वसता परिवार अज छड़ के सारे सदीवी विछोड़ा दे गया। माँ के प्यार वास्ते प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी ने लैणा लिखिया ने कि माँ वर्गा घनश्यामा बूटा मैनू नजर ना आवे उस तो लैके शाम उधारी रब ने स्वर्ग बना लिया बाकी सब दुनिया के बूटे जड़ सुकिया मुरझाते ए पर फुलां दे मुरझाया वो बूटा सुक जावे ए पर फुलां दे मुरझाया वो बूटा सुक जावे ये गुलजार भरिया परिवार ये उन्हां दी माता जी माता महेंद्र कौर जी की देन सी ते उन्हां दे नाल उन्हां दे वड्डे परिवार गिल परिवार ते रंधावा परिवार की भगती शक्ति ते उन्हां दे गुणां की गल सी। मैं चंद लैणा श्रद्धा वजों माता महेंद्र कौर जी दे शब्दा दे फुलां च शामिल करांगा। माँ दे प्यार की शां है गूढ़ी माँ दे प्यार की शां है गूढ़ी जाने दुनिया सारी करे बच्चों की खातरदारी तंग हो उम्र पारी पशु परेत जानवर सारे माँ की ममता चाहते कन्न तत्ता जे होए किसी का भज के माँ वाले आते माँ का दर्जा सब तो उच्चा माँ का दर्जा सब तो उच्चा सब दियां जीवन मावां मां बिन कोई नहीं लाड़ लड़ाउंदा ए सब तो ठंडियां छावां मां दी पूजा रब दी पूजा माता तीर्थ वड्डा मां दियां सीसां राज बहालण रब भी सोचण लगा मां मरे तां कुप हनेरा मां मरे तां कुप हनेरा चारे कुंटा खाली माही सारे लाड लड़ाउंदी ते जीवे करमा वाली मां जिन्हां दी मर है जांदी ओही जानन बच्चे मिलदा ना फिर घर विच साया ना मंदर ना मंजे सिर दर्द जे होए किसे दा मां ते रब ते आउंदे
मामा कह के होके भरते मां मुख तो फरमाते मां का कर्जा कदे ना उतरे एनी मां की ममता एक होवे जां पांच सत होवन रखदी सब विच समता मां ते धी दा रिश्ता प्यारियो मां ते धी दा रिश्ता मित्रो सारे जग तो न्यारा धी नूं मुड़ के मिल ना सके मां वर्गा वर्तावा कुत्ता नाल मावां दीआं कदरां कुत्ता नाल मावां दीआं कदरां पुत्तर मिठड़ा मेवा पिछली उम्रे लैण असीसां करके मां दी सेवा मां दी गोद सुरग दा वासा मां दी गोद सुरग दा वासा मरे ता खाली होई मां किसे दी मरे ना रब्बा रंधावा करे अरजोई मां किसे दी मरे ना रब्बा रंधावा करे अरजोई मेरे सरदा दे बोलू इस कविता दे रूप विच सन परिवार वालियां वल्लों एक बेनती है कि प्रसाद लैके साथ संगत जावे दो मिनट होर लगनगे कुछ बुलारे रह गए ने ते फिर उस तो बाद लंगर प्रसादा छक के जाना जी सारिआं नूं जी आया आख्या जांदा है सत श्री अकाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हाजरी जी पैंती साथ संग जी फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वक्त वक्त बुलारिआं ने बड़े विस्तार दे नाल जिते माता जी को चंदा के फुल भेट किए उसके परिवार का बारे सारिया गलतियां ने क्योंकि माता जी की देने परिवार को सारे वापस बुलाने की है मैं अपने वालों जिते माता जी को चंदा के फुल भेट करता उसके परिवार वास्ते चढ़ती कला ही अरदास करता क्योंकि जिमें दसिया गया कि माता जी ने बड़े अपने गृहस्थी जीवन के कष्ट भी सहे आप मानते हाँ कि धरती जोड़ा वा तुलना जी की आधार मने माता के बराबर मने धरती के उत्ते दरिया ने धरती उत्ते पहाड़ ने धरती उत्ते गुरु ने कि बड़ा पहाड़ चुके चुके धरती जी चुकी है उस तरह माँ भी जी अपनी गृहस्थी जीवन के दुख सुख लैके पी सी है तो माँ का बहुत बड़ा एक जिगरा हुंदा है जिहड़ा अपने बच्चों नाल लैके बच्चों तरक्की वास्ते सोचती है मैं एक दो गल साझियां करनी चाहुंदा सिर्फ क्योंकि आपां वेखदे हां कि जिवें साडियां बीबियां जिहड़ियां पूरियां हो जांदियां जदों मैं धार्मिक तौर ते गल कर लूंगा रहत मैदान काम ते आपां वेखदे हां कि जदों उहनूं अंतम उहदा संस्कार कर अपना पछाण कराउंदे हां बस्तर बदलने जो कपड़ कह देने वो कहते पेके नहीं लैके आए हैं हैरानी वाली गल है क्योंकि 50 साल 30 साल 40 साल उन्हें घर के जीवन हों आप एक रीत रीत बनाई है भी वो जो आखिरी कपड़े ने वो पेके लैके आओ तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ सबू छना चाहिए सबू घरों बस्तर देने चाहिए तो ये रस्म जी बंद होनी चाहिए अभी होर भी बड़े बड़े साढ़े तरीकियां ने जिड़िया साड़िया पुराने पंडा पाइया उन्होंने तकीर तस्कीर होए हैं उन्होंने सबू सुचेत रहना चाहिए समा बहुत हो गया पहले कदम बढ़िया सन पर मैं समय को संकोचता होया जिते संगत का धनवाद करता उत्ते परमात्मा पास अरदास करता परमात्मा वो विछड़ी भी रूह को अपने चरणा चवास बख्शे रुख रुख परिवार को भाणा मन का बल बख्शे बहुत संगत का धनवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी अपने जिम्मेवार भरे समय के समा कढ़ के परिवार के दुख में शामिल होया मैं हमने बैठा सी साढ़े को सुनेहा आया प्रिंसीपल बलदेव सिंह जी जनरल सकत्र किरती किसान यूनियन पंजाब उन्होंने नंबरदार हुशियार सिंह जी के राही सुनेहा भेजे और अपनी हाजरी लवाई है समय की घाट कारण उन्होंने कोई होर जेवा पै गया इतने आ नहीं सके मैं हूँ बेनती कराँगा सरदार जोत सिंह जी समरा वो दो मिनट वास्ते शब्दा के फुल भेंट करेंगे सरदार जोत सिंह जी समरा मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अब साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माता जी महेंद्र कौर जी अंतम अरदास जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी सब तो पहले फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जिहा जी ने लिखा तिहा हुकम हमारे कल्ले आवे नानका
सदी उठी जाए तो मां बाप अनुसार सानू साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माता जी इस फानी संसार तो सदा लिए अलविदा कह गया। समा तो पहला ही बहुत हो चुका, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना। मेरे तो पहला बहुत ही सूझवान ते सुलझे बुलारे जो इस माता जी बारे ते परिवार बारे चानना पा के गए। बजुर्ग भी थोड़ा चिर पहला ही सानू जिहड़ा विछोड़ा दे के गए कि उन्होंने बड़ा लंबा समा इस नगर की सेवा की, 10 साल सरपंच रहे। उस तो बाद परमात्मा की कृपा ने उन्होंने बेटे भी इस नगर की सेवा की, उन्होंने 9 साल सरपंच रही, मतलब बहुत लंबा सेवा इस नगर ने इन्होंने माण बख्शा। तो जे मैं कह सकता ये पिछे माता महिंदर कौर जी का बहुत बड़ा हाथ है। अज की तरीक च समय च बहुत तब्दीली आ गई, जे वेख्या जाए तो सवेरे कोई किसी के घर 2 जने भी आ जाए तो उन्होंने पानी नहीं फड़ा के खुश होता, चाह का कप नहीं दे के कोई खुश होता, इरादा होता भी चले जाए कि इस तरह उतरे चले जाए जो अज के समय आ गया। पर जे इन्हों बजुर्गों ने साढ़े वीर उन्होंने या बापू उन्होंने बाहर चले जाना घर 10-50 सवेरे जिन्हें भी बंदे आए लंगर लगा ही रहना, चाहे किसी ने चाह पी लो कि प्रशादा छकना, इन चीज़ों करके इंसान जरा अगर तरक्की करते बंदा तो वो पिछे साढ़िया मावं का बहुत व्डा हाथ होता। जो असं भी कितने तुरे फिरते हैं या किसी मकाम पर हाँ तो वो पिछे साढ़े माँ प्यो का हाथ, इस करके योजना मावं जो संसार तो चले जाए बहुत व्डा घाटा पैदा ना पूरा हो। मेरे तो पहला बुलारे साहब माना ने और भी बहुत परिवार बारे जोड़ा झरना पाया, अज विदेशों के माता जी के पोतरे पोतरिया जोड़े पढ़ाई कर रहे उत्थे वधिया अपना सैट हो जाए, मतलब बहुत ही कृपा है परमात्मा की। मैं कह सकता माता जी जोड़े अपने कर्मा भागा वाले ही जिन्हों का परिवार अब वध्या फुलिया विदेशों तक पहुँचा, तो परमात्मा अखीर एक गल मैं जरूर करूँगा। मेरे को पहला छीना साहब ने की साढ़े किसानी के मसले के उत्ते, मैं दिल्ली जो एक मोर्चा चलिया असी काफ़ी दिल्ली जाने का मौका बनया तो असी रस्ते चो जिते राह दुकाना झंडे लगे होंगे अखरी झंडा लैके तो अपनी गड्डी में बन लिया किसानी का बन के, जो 2-4 दिन बाद वापस आए तो घर आए तो खोल के तो गेट के नाल बनता दरवाजे तो मैनू कोई मिलने वास्ते बंदे आ गए तो मैं कहें साडी यूनियन के मैंबर चो, मैं कहा यार मैंने तो पता नहीं रस्ते जो झंडा लिया ही तो लैके तो हम घर पक्का बज गया है, क्योंकि ये इस चीज़ को उत्ते उठ के जी लड़ाई है साड़ी है किसी झंडे का या किसी यूनियन का, सारिया साड़िया यूनियन है सरकार सारिया की मदद करो तगड़े हो गए हर एक फंड दो। असी 2 दिन दबुलजी वाले चौंक के अंदर भी सारा दिन लंगर जोड़ा अभी लाया किसानों की ट्रालिया से पवा के भेजा, इस करके जोड़े साढ़े उत्थे नौजवान शहीद होए आ मैं सवेरे वेख रहा 18 साल का नौजवान है जिनकी मौत हुई है, बहुत दुखदाई हुई है। परमात्मा उन्होंने भी सारे अपने चरणा च निवास बख्शे, पिछों सुख शांति बख्शे, भाणा मनन का बल बख्शे। मैं माता जी के भी चरणा च जी उन्होंने भी हाजरी गुरु महाराज के चरणा च लगा तो उन्होंने जोड़े उत्ते साडे सिंह शहीद होए उन्होंने भी दास इन्ने ही शब्दों के नाल माता जा चुके। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मेरा छोटा वीर गुरशरण सिंह छीना वो भी साढ़े को पहुंचे आ लेट हो गए थोड़े उन्होंने भी हाजरी जी तो मैं शब्दों के बोल माता जी उन्होंने वालों भी भेट करता दास इन्ने ही शब्दों के नाल कि माता जा चुके। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं माँ के प्रति 2 लफ्ज कह के क्षमा मंगनी है, साड़ी इन्नी उम्र हो गई है जब साड़ी मां तुर जाती है इन्नी उम्र के होंदया भी सानू दुख होंदा है, पर जब छोटे होंदया भी जिन्हां दी मां मर जांदियां ने उन्हां बच्चों के की हालात होंगे ने। मैं इस 2 चंद लाइनों के आपकी गलों में पेश कर लगा हाँ, जब छोटे होंदया किसी की मां मर जाती है उन्हां बच्चों की हालात तरस योग होंगी है
सतसंग जी परिवार वालों आई हुई सतसंगता